महोदय, वर्तमान में पूरे देश में 60 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से सर्विसेज को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि हाई स्पीड डाटा इन रूरल एरियाज। पूरे बिहार में 34,495 आईटी के कॉमन सर्विस सेंटर फंक्शनल है, जिसमें 29,684 कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायतों में हैं। इन सबको हाई स्पीड नेटवर्क से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बिहार में बहुत आवश्यकता है महोदय। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बिहार एवं मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर की स्थापना की जाए, जिससे कि हजारों युवाओं को BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। देश में सांसद सत्र चल रहा है, वहीं देश के तमाम सांसद अपने अपने जिले को कैसे विकसित करें उसको लेकर मांग कर रहे हैं। वहीं बात की जाए बिहार के सांसदों की, तो गोपालगंज के जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन विकास की नई परिभाषा लिखने को लेकर उत्सुक हैं। आलोक कुमार सुमन जब से सांसद बने हैं, तब से लगातार सांसद सत्र में गोपालगंज के विकास के लिए हर मांगे बुलंद आवाज में उठाते रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, अस्पताल हो या फिर हवाई अड्डा। एक बार फिर सांसद का सत्र चल रहा है और आलोक कुमार ने रेल मंत्री से मांग कर दी है। गोपालगंज थावे से दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता के लिए वंदे भारत, तेजस या कोई अन्य सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की अनुमति देने की बात कही है। अगर अनुमति मिलता है तो गोपालगंज सहित पड़ोसी जिलों के लाखों मुसाफिरों को फायदा होगा। वहीं एक बार फिर लोकसभा के प्रश्नकाल में नागर विमानन मंत्री जी से प्रश्न किया कि गोपालगंज जिले के हथुआ स्थित साव्या एयरफील्ड क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का भाग है तथा साव्या एयरफील्ड हेतु एयरलाइन ऑपरेटरों को आमंत्रित किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर जवाब देते हुए मंत्री सिंधिया ने कहा, राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार एक्शन ले। वहीं सांसद आलोक कुमार सुमन पीछे नहीं हटे, विमानन मंत्री के जवाब देते हुए बताया कि राज्य सरकार के अधीन नहीं, रक्षा मंत्री के अधीन है। वहीं ये मामला अब रक्षा मंत्री के पास चला गया है। सांसद आलोक कुमार सुमन ने एक बार फिर मजबूती से तीर छोड़ा है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से बड़ी मांग कर दी है। बिहार एवं गोपालगंज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर की स्थापना की जाए, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं लगातार गोपालगंज के लिए आलोक कुमार सुमन आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं बात की जाए पड़ोसी जिला सिवान के सांसद कविता सिंह जी की, तो आलोक कुमार सुमन की तुलना में बहुत पीछे हैं। सिवान में पिछले दिनों जो पुल टूटा था अभी तक चालू नहीं हुआ, जिससे छोटे छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ दिनों से सिवान दाहा नदी के पास की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आप लोग देख सकते हैं कि लोग लकड़ी के बनाए हुए पुलिया पर चढ़कर आवाजाही कर रहे हैं, साथ ही तस्वीरों को वायरल कर सांसद और विधायक की जबरदस्त ट्रोलिंग भी की जा रही है। आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268751849।